दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सर। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पेनियर बाय के बारे में, जहाँ पे आप पेनियर बाय के जरिए से अपने शॉप को जो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे इसमें अपनी जो है ID क्रिएट करनी है वो भी फ्री में, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों। और ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर आप अभी पेनियर बाय यूज नहीं कर रहे और पेनियर बाय यूज करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ID फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन है, जो ये ID आपकी बनेगी ये ओनली बिहार पे ही बनेगी, यानी आप बिहार से बिलोंग करते हैं तभी आपको ये ID मिल सकेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पेनियर बाय का एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपनी शॉप का सेटअप करना है पेनियर बाय एप्लीकेशन में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पेनियर बाय का एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। चलिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ इसकी पूरी जानकारी और करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है। तो दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या, जब एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाता है तो यहाँ पे काफी सारी सर्विस वगैरह दिखती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बाय नियर का एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि न्यू एंड शॉप ओनर बेनिफिट दिया हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर देखते हैं न्यू दुकान करके है, इंस्टॉल करने बोल रहा है, लेकिन मैं लेटर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाता है बाय नियर करके, और अब यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यू ऑनबोर्डिंग सेटअप फॉर अप योर शॉप 5 स्टेप में, यानी सेटअप कर सकते हैं फ्यू स्टेप इन डिजिटल योर बिजनेस। तो आपको कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कुछ स्टेप्स आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले आपका शॉप का नाम मांगा जाता है, शॉप का मोबाइल नंबर मांगा जाता है जो भी आपके शॉप में, एंड यहाँ पर सिलेक्ट शॉप कैटेगरी, किस टाइप का कैटेगरी आपके शॉप का वो आपको डालना। तो यहाँ पर सारी कैटेगरी रहती है तो वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल एसेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक का, तो मैं ये डाल लेता हूँ। जहाँ पर देखते काफी सारी ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना, तो प्लीज वेट का ऑप्शन आता है एंड कंफर्म हो जाए। तो मैं कंफर्म होने के बाद आपको सबसे पहले सेट शॉप लोकेशन, तो आप जहाँ पर भी बैठे हो, अपने शॉप पे बैठे हो, तो वहाँ का लोकेशन ऑटोमेटिकली चूज हो जाता है। एंड चूज होने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। चलिए तो मैं यहाँ पर फिल करके आपको नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एक शॉर्ट नोटिस लिख दिया एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना, तो सेटिंग और शॉप में आ जाता है। अब यहाँ पर शॉप का फोटो मांगा जाता है, देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, जहाँ पर देखते हैं अपलोड योर शॉप फोटोज। तो यहाँ पर शॉप एंट्रांस आपको डालना है, शॉप काउंटर डालना है, एंड यहाँ पर एंट्रांस वन यानी टेक ऑफ द लैंडस्केप मोड में डालना है, टेक फोटो ऑफ लैंडस्केप मोड में डालना है, ये सब लैंडस्केप मोड में डालना है। और 5 फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि आपका शॉप का फ्रंट रहना चाहिए, बैक रहना चाहिए, काउंटर का फोटो रहना चाहिए, सिस्टम वगैरह का फोटो रहना चाहिए, जो सामान है उसका फोटो रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटो वगैरह अपलोड कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर सिलेक्ट शॉप ऑपरेटिंग टाइमिंग पूछा जा रहा है, तो जो भी टाइमिंग है दोस्तों वो आपको यहाँ पर डाल लेना है, जैसे डिलीवरी पर्सन, हैंड डिलीवरी एरिया है, वो सारा यहाँ पर डिटेल डाल लेना। चलिए इसको मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट शॉप ऑपरेटिंग टाइमिंग में क्लिक करना है, तो यहाँ पर सेट टाइम का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर जितने बजे आप शॉप ओपन करते हैं वो टाइम आपको यहाँ पर डालना है दोस्तों। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ वो टाइम, यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड ओके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जब एंड टाइम जो आप बंद करते हैं उस टाइम को यहाँ पर फिल करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ओके। अब यहाँ पर सिलेक्ट डेज पूछा जा रहा है, संडे मंडे जिस भी दिन आपका बंद रहता है उसको आपको छोड़ देना, बाकी दिन को आपको यहाँ पर ही और जो है डन कर देना। तो देख सकते हैं मेरा पर सिलेक्ट डेज फॉर द टाइम स्लॉट, तो यहाँ पर डन हो गया, सारा दिन मेरा ओपन रहता है। अब यहाँ पर डिलीवरी पर्सन, तो आपके पास डिलीवरी पर्सन है अगर 1-2 तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या डिलीवरी एरिया यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जितना किलोमीटर तक आप दे सकते हैं उतना किलोमीटर आप चुन लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर आई विल ओनली डिलीवर ऑर्डर अबव कितना रुपया तक का आप डिलीवर कर सकेंगे दोस्तों, यहाँ पर 300, 400, 500, 1000, तो यहाँ पर मैं 1000 कर ले 800 कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 300 कर ले, यहाँ पर अप टू 300 दिया गया। एंड यहाँ पर आई विल बी चार्ज या फ्री डिलीवरी, आई विल बी चार्ज, यहाँ पर कितना आपको चार्ज लेना अगर आप डिलीवरी करते हैं, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे सेट डिलीवरी चार्ज या फ्री डिलीवरी ऑर्डर है वो इतना, अगर आप फ्री करते हैं, अगर जैसे कि फ्री डिलीवरी करते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट इतना कराना चाहिए तब फ्री करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अगर इससे कम कराता है तो डिलीवरी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया इस टाइप से। अब यहाँ पर देखते सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पर डिस्काउंट ऑन ऑर्डर, अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं देना चाहते तो नो, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर इंटरव्यूअर पेमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर सिलेक्ट मेथड केस आपको चूज कर लेना है कि आप डिलीवर करोगे और केस लोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हो चुका, आप गो ऑनलाइन हो चुका है एंड गो लाइव पे आप क्लिक करेंगे एंड गो ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते कंटिन्यू टू बोर्डिंग हो चुका है आपका शॉप। यहाँ पर देखते बोर्डिंग हो गया, अब यहाँ पर सारा डिटेल्स मेरे को दिखा रहा है। अभी क्लोज ऑनलाइन शॉप अगर क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पर एक्सेप्ट ऑनलाइन करेंगे तो एक्सेप्ट ऑनलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर देखते जितना टोटल ऑर्डर होता है वो आपको दिखाएगा एंड यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री मैनेज इनवॉइस प्रोडक्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर प्रोडक्ट को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो उसका ऐड कर सकते हैं एंड लीटर पे केजी पे जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टोर सेटिंग दिया गया है, अगर स्टोर का सेटिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा शॉप वगैरह का डिटेल्स दिखा रहा है, आप ये भी आप चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं एडिट करके फिर से। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिखा रहा है, तो आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं अथवा आप स्किप कर ले। उसके बाद यहाँ पर देखते सारी मैंने डिटेल्स बता दी है। ऑर्डर हिस्ट्री में भी ऑर्डर जो आएगा आपको आज का या डिलीवर हो गया उसका वो आपको देखने को मिलेगा। मैनेज इन्वेंटर में भी आप ऐड कर सकते हैं, मैनेज करके जो भी ऐड कैटेगरी है किस किस टाइप का वो आप ऐड कर सकते हैं। स्टोर सेटिंग में तो मैंने बता ही दिया दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या रहता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर ये जो है पेनियर बाई के जरिए से आप अपने स्टोर को जो है लाइव करेंगे ऑनलाइन। एंड यहाँ पर लिंक वगैरह दिया गया है, जैसे देख सकते शेयर का, तो मैं इसे व्हाट्सएप पे अपने जो है शेयर करता हूँ एंड दिखाता हूँ कि किस टाइप का ये दिखता है। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इस लिंक को शेयर करता हूं। तो यहां पर देखते हैं मैं शॉप के साथ ये जो है लिंक शेयर हो गया एंड यहां पर मैं जब क्लिक करता हूं इस लिंक को तो यहां पर देखते हैं एक ऑप्शन खुल जाएगा, देख सकते हैं शॉप नियर का, जो कि आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहां पर दिखा देता हूं दोस्तों जो पेनियर बाई के तरफ से दिखाया जाएगा एंड उसका ही जो रहेगा सारा चीज एंड यहां पर आपका डिटेल्स वगैरह सारा शो करेगा। तो आप लोडिंग ले रहा तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना दोस्तों जिससे कि ये लोड ले सके पूरी तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों इसी टाइप से आपका दिखाएगा, अभी लोड ले रहा है। एक दो सामान आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका जो है वेबसाइट लाइव हो जाएगा। अब इसी टाइप से आप यहाँ पर फिर से मैं पेनियर बाय पर लेके आपको चलता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर और इसी तरफ से देख सकते हैं वेब हो गया, मोबाइल से अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह चेक कर रहा है तो काउंट व्यू जो होगा आपको यहाँ पर दिखाएगा कि कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे। यहाँ पर इसकी पूरी आपको डिटेल्स दी कि कैसे आपको पेनियर बाय में जो है अपने शॉप को लाइव करना उसके बारे में। अब यहीं पर न्यू दुकान करके अगर इसे इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि एक स्टोर की टाइप से है, आप इसमें भी स्टोर बना सकते हैं एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको इसमें बता दिए दोस्तों। तो आपने देख ही लिया कि कैसे आपको पेनियर बाय के एप्लीकेशन के माध्यम से अपने शॉप को जो है ऑनलाइन करना है, लाइव करना है, कैसे ऐड करना है, इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है वीडियो पे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और पेनियर बाय से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी रिटेलर आईडी मिल जाएगी जो कि बिहार के लिए ओनली है। तो बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इसकी आईडी मिल जाएगी और आप इसमें जुड़ के काम कर सकते हैं जिससे कि आपको बेहतर सपोर्ट भी मिल सके। उसके लिए हमारा ग्रुप वगैरह भी है जहाँ पर आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, साथ ही जो भी ऑफर वगैरह आती है तो आपको इसका लाभ दी जाती है। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक लगातार रहे।